आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले सबसे पहले चोली बना लेंगे। चोली बना लेने के बाद में इसका हम घेरा बनाना शुरू करेंगे। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। तो आप जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाह रही हैं आप चोली बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पे हम 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। अब देखिए चोली हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, बल लेना है। बल लेने 3 चेन ले लिए, इसे जोड़ लिए, 3 चेन ले लिए। अब हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक गोलाई कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये और बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए हम ये पहला लाइन इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हम एक लाइन यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब इस पे लाकर जोड़ लेंगे, ये जोड़ लिए, एक लाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा लाइन में सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 3 चेन। अब यहाँ पे यहाँ भी एक हम बना लेंगे, वरना ये यहाँ पे खाली खाली सा लगेगा। तो अगर आप नहीं चाहती हैं तो नहीं भी बना सकती हैं, सीधे आप यहाँ बना लें। लेकिन देखिए ये बिल्कुल खाली सा लगता है, इसलिए हम यहाँ भी बनाने के लिए बोले। अब देखिए यहाँ एक चेन, एक डबल क्रोशिया बना लिए, एक हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, दो, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए अब फिर से यहाँ लेंगे और एक डबल क्रोशिया एक चेन से, फिर दूसरी चेन से भी एक डबल क्रोशिया। अब तीसरी चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, दो, इस तरह से, यानी दो बीच करते हुए हम यहाँ दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फिर से एक और एक, दो, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और एक, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन से भी एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी दो बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए तो जिस तरह से हम दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं दो बीच करते हुए, तीसरा लाइन हम 3 बीच करते हुए कंप्लीट करेंगे और चौथा लाइन 4 बीच करते हुए कंप्लीट करेंगे। हमें यहाँ पे 4 लाइन सबसे पहले बनाना है, एक, दो, तीसरा लाइन 3 बीच करेंगे, चौथा लाइन 4 बीच करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 4 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। देखिए ये बनकर कंप्लीट हो गया घेरा। अब घेरा में यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ 2 बीच किए, यहाँ 3 बीच किए। देखिए जैसे यहाँ पर एक चेन से यहाँ 2 डबल क्रोशिया है और इसके बाद 1 2 3, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है और इस लाइन में लास्ट चौथा लाइन में देखिए यहाँ पे है आपको ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ है, 1 2 3 4, और ये 2 डबल क्रोशिया है। तो 1 2 3 4, 4 लाइन कंप्लीट कर लिए। अब चलिए इस पे हम आगे बुनते हैं डिजाइन। देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए हैं। अब इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक हो गया। अब यहाँ पे हम एक चेन ले लेंगे, इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे, एक हो गया और ये हो जाएगा 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन ले लेंगे, देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 3 4, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे। अगर आप चाहते हैं काफ़ी करीब करीब देना तो तीसरा चेन पे भी हुक को डाल सकते हैं, 1 2 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा एक, फिर से एक चेन ले लेंगे। देखिए ये हो गया। अब एक चेन लेने के बाद फिर 1 2 2 के बाद तीसरा पे हुक को डालेंगे, तीसरा चेन पे, और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा एक। तो देखिए इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे बुनकर।
अब ये एक लाइन में ही नहीं तैयार करेंगे, ये पूरा सबसे पहले हम एक लाइन तैयार कर लेंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर बीच में हुक को ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे और फिर से हम इसी तरह बुनेंगे, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर यहाँ भी दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे चार लाइन में, चार नहीं पाँच लाइन में बुनकर तैयार कर लेंगे। अगर आप देख लें कितने नंबर का बना रही हैं, घेरा अगर आपका चार लाइन में कंप्लीट हो जाता है तो चार लाइन में ही बनाना आप बंद कर दें, और अगर पांच लाइन में कंप्लीट होता है तो इसे टोटल पांच लाइन बना लें। हम यहाँ पे टोटल पांच लाइन बना लेंगे, तो चलिए पांच लाइन बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को हम बतलाएंगे इस पर किस तरह से इसे सजाना है। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप इसे प्लेन रखना चाहेंगी तो भी देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, प्यारा सा पोशाक, बिल्कुल सरल तरीके से बनाया हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो रेड मोती आप देख रहे हैं यहाँ पे डाला हुआ है, इसे हमें पेस्ट कर देना है। अगर आप सिलना चाहती हैं तो सिलने का तरीका भी हम बतलाए हुए हैं अपने चैनल पे, और अगर आप इसे पेस्ट करना चाहती हैं तो पेस्ट भी कर सकती हैं। हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप देख लें आप क्या चाहती हैं, देखिए ऐसे एक दो तीन, ये यहाँ पर होगा तीन और ये यहाँ होगा चार, फिर से एक दो तीन और एक चार, तो इस तरह से हम इस पर मोती डालते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया, जब ये सूख जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा, पीला कलर पे आप रेड कलर का मोती डालेंगी काफ़ी प्यारा लगेगा, देखिए इस तरीके से। तो चलिए फिर हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनकर तैयार होता है। अभी इस पे सूखा नहीं है, जो हम पेस्ट किए हुए हैं तो सूखा नहीं है, सूख जाने के बाद ये और भी काफ़ी सुंदर लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए अब अगली वीडियो में फिर हम आप लोगों को इसका टोपी बतलाएँगे।